ग्राम पंचायत जयराम नगर विकास खंड मस्तूरी जिला बिलासपुर के शासकीय प्राथमिक शाला जयराम नगर में 156 बच्चे अध्ययनरत हैं। कक्षा पांचवी की छात्रा प्रतिमा ने बताया कि 4 माह से हैंडपंप बंद पड़ा हुआ है। यहां पे कोई भी सरपंच ना तो शाला के अध्यक्ष सचिव कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक तरफ देखा जा रहा है कि सभी स्कूलों में हर चीज का सुविधा होना चाहिए, मगर यहाँ पे देख रहे हैं कि बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और यहाँ पे सरकार आंख बंद करके बैठी हुई देख रही है। मैं हूँ बिंदा आजाद और ये है मेरा समुदाय। ये हैंडपंप तो 3-4 महीने से बिगड़ा पड़ा हुआ है। बच्चे लोग पानी पीने के लिए रोड क्रॉस करते हैं या फिर रेलवे स्टेशन जाते हैं पानी पीने के लिए, जिसमें कभी भी दुर्घटना हो सकती है क्योंकि रेल लाइन क्रॉस करके बच्चे पानी पीने के लिए जाते हैं। कहाँ पे है ये पानी टंकी? जी रोड के उस पार जी, कभी कभी लाइन के ओ पार भी जाते हैं, बोतल में पानी लाते हैं। किस लड़के का एक्सीडेंट भी हो गया था कभी जी, बहुत कष्ट उठाते हैं। मैं इस वीडियो को इसलिए बनाना चाहती हूँ क्योंकि इस स्कूल में मेरे भी बच्चे पढ़ रहे हैं। पानी की समस्या को लेकर बच्चे बहुत परेशान हैं। इंडिया अनहर्ट के देखने वाले सभी दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि पीएचई विभाग के हैंडपंप मैकेनिक विश्वकर्मा का मोबाइल नंबर 9754705014 को कॉल कर दबाव बनाए ताकि बच्चों की पानी की समस्या दूर हो सके। मैं हूँ वृंदा आजाद, जयराम नगर बिलासपुर छत्तीसगढ़, इंडिया अनहर्ट के लिए।